आरटीएस के एक कर्मचारी ने बीते दिनों इंदौर के सुखलिया क्षेत्र में खुद के घर में आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि सूदखोरी से परेशान होकर तनाव में उसने यह कदम उठाया। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। मृतक कर्मचारी के सीनियर जीडी जारवाल ने बताया कि जीएसआईटीएस में लंबे समय से शुद्धखोरी का काम चल रहा है, जिसमें बाहरी लोग यहां के छोटे छोटे कर्मचारी को पैसे देते हैं और बाद में गोलमाल कर बड़ी राशि वसूलने की कोशिश करते हैं। उसके पहले भी यहां एक घटना हो चुकी है। जारवाल के मुताबिक बीते दिनों करीब 3:30 बजे लवकुश आवास बिहार में अपने घर पर विनोद लोधवाल ने आत्महत्या कर ली। इस दौरान मृतक ने एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने 4 लोगों पर शुद्धखोरी का आरोप लगाया है। मृतक करीब 15 साल से यहां नौकरी कर रहा था। कार्यवाहक अध्यक्ष जीडी जारवाल ने मांग की है कि विनोद की मौत की जांच होनी चाहिए और कैंपस में सूदखोरी और सूदखोरों पर भी अंकुश लगना चाहिए। हमारा जीएसआईटीएस का कर्मचारी नेता है, कल जब खबर लगी वो करीब 3:30 बजे के आसपास उन्होंने सुसाइड कर लिया। मैं समझता हूँ कि जो प्राथमिकता जो जानकारी प्राप्त हो रही है, कुछ लोग उनको कुछ राशि की डिमांड कर रहे थे, जिसके कारण उन्होंने तनाव में आके ये कदम उठाया। मैं चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जीएसआईटीएस में यह बहुत ही गंभीर कृत्य वहाँ के छोटे कर्मचारियों के साथ हो रहा है। बड़ा गैंग वहाँ काम कर रहा है। मैं चैनल के माध्यम से आप मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो सख्ती से जीएसआईटीएस पर शिकंजा कसना चाहिए कि जो बाहरी तत्व आकर वहाँ के कर्मचारियों को प्रलोभन देकर कुछ और हल्के फुल्के थोड़ी थोड़ी राशि देकर फिर बड़ी राशि में वो कन्वर्ट करते हैं और फिर बाद में बड़ी डिमांड। अब छोटे छोटे कर्मचारी हैं वो, अब कैसे तो वो उनका परिवार चलाएंगे, कैसे वो उनकी राशि वो देंगे, वो बड़ा आश्चर्य। और ये घटना जीएसआईटी इसमें पिछली बार ही हुई है, इसी बात को लेकर पदार्थ और कितना अमाउंट का क्या चल रहा था, कौन मांग रहा था उनसे राशि, ये एक्चुअल क्लियर नहीं हो पाया अभी। पर अभी जब जाँच होगी, जब उनके मोबाइल में जब उनके नंबर ट्रेस होंगे और जब घर पे जो फ़ोन आते थे, जब वो बिटिया जब बताएगी तो तब फिर जानकारी कुछ सामने आएगी। सूद को परेशानी का क्या लोड, मतलब पैसा उधार ले रखा था या कोई वेतन था रुका हुआ था क्या था? नहीं नहीं, एक्चुअल वो संस्थान की तरफ से प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी बाहर की तत्व जो कुछ लोगों को पैसा थोड़ी राशि देते थे, हाँ सूद को लो वो राशि देते थे, फिर वो उसको बड़ी राशि में मांग डिमांड करते थे। कितना कर्ज था इनपे? मैं नहीं समझता वो बहुत ज्यादा कर्ज होगा, 30-40 हजार रुपए परेशान कुल मिला के सूदखोरी के कारण। वहाँ क्या करते थे? ये 4th क्लास में थे वहाँ।